हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। ये है मम्मी, मम्मी द ग्रेट। मम्मी बना रही है नॉन वेज और मैं बना रही हूँ वेज। दांत बड़े आए तो दांत अब जैसे है वैसे आएंगे। आज गेस्ट आ रहे हैं तो जो लोग नॉन वेज खाने वाले हैं उनके लिए नॉन वेज बन रहा है मेरा यहाँ पे, और वेजिटेरियंस के लिए मैं बना रही हूँ क्योंकि वेजिटेरियन ज़्यादा है, नॉन वेजिटेरियन कम है। नॉन वेज मम्मी बनाती हूँ, मुझे नहीं आता बनाना। और यहाँ पे बन रहा है पनीर, जीरा पनीर और मटर कहाँ रख दिए, अच्छा इसी में जीरा है, मटर मटर उबाल दिए हैं और तड़का होने वाला है। गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और उर्वी जो है अपनी बुआ के पास है और मैं कर रही हूँ यहाँ पे बेडशीट को साफ़, क्योंकि ना थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि अभी जैसे नया नया घर है तो मिट्टी वगैरह रेता कुछ ना कुछ जो है बेडशीट पे भी हो ही जाता है, तो उसको भी क्लीन कर रही हूँ और बेड जो है उसको समेट दूँगी। और पीछे से उर्वी की आवाज़ें आ रही है, ये मेरी गोद में है अभी, और साथ ही साथ अगर पंखे की हवा भी आ रही है आप लोगों को तो उसको इग्नोर करना क्योंकि गर्मी है तो पंखा चला रहता है और फिर बच्चे जो है बिना पंखे के रहते नहीं है और फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है वॉइस ओवर देने का, तो फिर ऐसे में ही जैसे भी टाइम मिलता है वैसे ही देनी पड़ती है वॉइस ओवर। तो चलिए बेड समेट लेते हैं और उसके बाद करते हैं बाकी के काम अपने। बज के 10 मिनट हो गए, उर्वी से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं बाहर, बहुत सारे नहीं दो तीन यही के गाँव के दादी वगैरह दादी लग गई। तो मैं दाल बना रही हूँ, ये मलका मसर खाने वाले ज़्यादा इसलिए दाल थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ, और बाकी सब लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो ये देखो यहाँ पे बैठे अम्मा और ये दादी। अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी हो बहुत पहले, 1.5 साल पहले, दादी जो है ये ग्रीन सूट वाले उस टाइम पे भी थे और बहुत शर्मा रहे थे वीडियो में आने के लिए। और ये जो दूसरे बैठे हैं इनको माता बोलते हैं, ये इनको सब भी माता बुलाते हैं, तो ये आए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये देखो हमारे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो पानी का जो है टैंकर ही आज मंगवाना पड़ा, इतनी ज़्यादा जो है मुश्किल हो गई थी आज तो ये टैंकर बुलाना पड़ा। और ये रही उर्वी, नहाने के बाद आराम से खेलने वगैरह के बाद सो गई है यहाँ पे सुकून से और बहुत ही क्यूट सी लग रही थी, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी मैं दिखा देती हूँ। और मैंने अपने रूम में अब ये वाली अलमीरा लगा दी है, दोनों अलमीरा मेरी है, मतलब ये वाली मुझे ससुर जी ने गिफ्ट दी थी। वैसे बच्चों के बिना भी घर नहीं है ना मम्मी, बच्चों के बिना घर घर नहीं है वैसे, है ना। गुड्डू ओए तू टेढ़ा हो गया, चलो कोशिश करो कोशिश करो। गुड्डू ओ ओ उर्वी आरू चलो चलना आपने चलना आपने आ तो चलो नाशपति के पेड़ के पास चलना। किसने मम्मी ने ये तो उधर भी होती है मम्मी और की बड़ी पड़ लगती है इसमें। अब उसमें एक चाहिए मुझे दिखाएगा कोई क्या हा? मुझे हाँ आ जाओ तो आपको भी दिख रहा हूँ निकाल ले डैडी के साथ। डैडी बोला चलो मैं दिखाता हूँ नाशपति को, बहुत बड़ी बड़ी लगी है। आदित कई लोग ना सब्जी भी बनाते हैं इनकी नाशपति की।
इतने दो हाँ इतनी काफी नहीं काफी है इतनी है? काफी है इतनी दोबारा ले लेंगे ये देखिए इसको ऊपर भी है दो नीचे की इधर ये ढेर लगे हुए सड़ गई हैं तो सड़ गई हैं ये पक गई है बल्कि जो नीचे गिरी ज्यादा पक गई है लो तोड़ दो इनको तोड़ने तो तोड़ दो ये तोड़ता हूँ ये रहता हूँ हाँ बच्चे भी नहीं आते यहाँ तो कोई खाने चलो आदित्य नीचे आ जाओ तो छलांग मार इस साइड से आ जाओ इधर से इतने बड़े बड़े आलू लगते हैं वो भी काट दिया सूख जाते हैं बड़े आलू तो जल्दी तो चलो तभी तो दिखाऊं ज्यादा मत खाना बेटे पेट में दर्द होती है आर्मी बहुत दर्द होता है वन ही खाना देता ना आज वन कल खा लेना ठीक एक एक खाना एक ही खाना आज मक्खी बंद दबाना पैर से इधर से आओ इस साइड से चलो 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 तो यहाँ पे आई है आदित्य और उर्वी की बुआ ये जब आपने अगर पुराने वाले घर पे ऊपर की तरफ ये हमारे मतलब पड़ोस में ही रहते हैं सामने वाले घर पे रहते हैं तो अब ये उर्वी से खेलने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं और जो नाशपाती हम निकाल के लाए थे वो आदित्य खा रहा है इनको भी मैंने दी थी नाशपाती तीनों को तो ये पल्लू है मीशू है और शगुन है तीनों ये उर्वी के साथ खेलने के लिए रोज़ आते हैं रोज़ शाम को आते हैं ये लोग और भी बुआ है इसकी वो भी आते हैं उन्हें भी मैं ज़रूर दिखाऊंगी ब्लॉग में बट फिलहाल ये आए थे तो चलो इन्हीं को ही दिखा देती हूँ आज का ये जो ब्लॉग है ना ये बहुत ही लटक के चल रहा है बिल्कुल कम मौका मिल रहा है मुझे ब्लॉग शूट करने का बट जितना भी कर पा रही हूँ पॉसिबल हो रहा है उतना कर ले रही हूँ अभी चाय बन रही है क्योंकि तो अभी बन रही है चाय क्योंकि पानी की नलका लगाने वाला है सप्लाई वाला जो पानी होता है उसके लिए तो उन लोगों के लिए चाय बन रही है शाम का टाइम हो गया है ननद मेरी छोटे वाली वो भी चले गए अपने घर बड़े वाले आए थे उनको मैं ब्लॉग में दिखाई नहीं पाई क्योंकि वो रात को आए थे 9:30 बजे और सुबह वो आई थिंक 4:30 बजे चले भी गए थे अपने घर क्योंकि वो टैक्सी करके आए थे रात भर रुके सिर्फ डैडी से मिलने आए थे तो रात को फिर ब्लॉग कैप्चर करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला क्योंकि कहीं बच्चे शोर कर रहे थे कभी खाना कभी कुछ ये सब कुछ चल रहा था तो इसलिए उनको ब्लॉग में इस बार नहीं ले पाई बस अभी सब चले गए अब हम ही बचे हैं बाकी फिर से और आज है जैसे कि आपने देखा होगा पानी बिल्कुल जो है ख़त्म हो गया था हमारे घर पे सारी की सारी टंकियां जो है वो खाली पड़ी थी रात को भी सुबह भी बार बार पानी लाना पड़ रहा था खैर मैं तो नहीं ला रही थी बट मम्मी को डैडी को सबको ही लाना पड़ रहा था हैंडपम्प से तो आज हमने पानी का टैंकर मंगवा दिया था सारा पानी भर दिया है अब देखते हैं जितने दिन चलेगा उतने दिन सही फिर तब तक तो दूसरा पानी भी आ जाता है बरसात में ना यही दिक्कत होती है कि खड्डों में ना मिट्टी वाला पानी हो जाता है तो फिर वो पानी आता ही नहीं है बरसात में सर्दियों में कह रही हूँ बरसात में और मानसून में ये दिक्कत रहती है पानी की तो चलो चाय दे लेती हूँ उन लोगों को तो मिलते हैं आप लोगों से और ये खिड़की ना आप लोग बोल रहे थे खिड़की ओपन रखना ये खिड़की ओपन है मतलब ये जाली वाली बंद है बाकी शीशे वाली खुली है तो अभी मैंने एक कमेंट रीड किया कि इन डिब्बों के ऊपर से ये जो कवर है ये रिमूव कर दो तो ये अच्छे लगेंगे इसमें ना बेसन लगा है लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये ना अगर इसको निकाल देते हैं इस पेपर को तो ये बिल्कुल वाइट कलर के हैं ट्रांसपेरेंट नहीं है अंदर से वाइट है तो फिर वो तो और भी ज़्यादा गंदे लगेंगे तो जब तक है तब तक फिलहाल ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं ये किचन की सिंक है ये उल्टी लगा दी अदरवाइज़ ये उस तरफ को लगनी थी और नलके में से जो है उधर को कनेक्शन दे के और नलके लगाए जा सकते थे बट चलिए अब जो गलत हो गया है वो अभी कुछ दिन में ठीक हो जाएगा किसी दिन उसको बुलाया जाएगा मम्मी बोल रहे थे कि मैं ठीक करवा दूँगी तो यहाँ से ना यहाँ पे खड़े होके बर्तन धोने में बहुत मुश्किल होता है यहाँ से खड़े होके धोए नहीं जाते क्योंकि यहाँ से बहुत आगे हो जाता है तो ऐसे एकदम झुकना पड़ता है और यहाँ खड़े होके ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा हो जाता है ये यहाँ पे
पर चलो जब तक ऐसे काम चल रहा है तब तक ऐसे ही चला लेते हैं, लेकिन थोड़े दिन में ये ठीक हो जाएगा। मतलब ये जो ये पत्थर है ये यहाँ से इतना काट दिया जाएगा, फिर ये बराबर हो जाएगी, फिर ये ठीक हो जाएगी। तो अभी गुड्डू सो गई है, आदित बच्चों के साथ खेलने चला गया ऊपर पुराने वाले घर के पास, और अभी घर पे मैं ही हूँ अकेली क्योंकि डैडी ऊपर है छत पे, वो पाइप वगैरह लग रही है नए कनेक्शन के लिए वो लग रहा है। तो ये जो इतनी बड़ी गलती हम लोगों से हो गई है किचन में, ये जो है जल्दी ठीक हो जाएगी जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस कर लिया है, लेकिन बहुत मुझे कमेंट आते हैं इसको लेके। हाँ जी बेटा, बहुत मुझे कमेंट आते हैं इसको लेके, और मुझे ये भी कमेंट आया था कि आपके किचन में सिंक नहीं है क्या। नहीं, हमारे किचन में सिंक है और सिंक के नीचे ना अलग से चला भी बनाए हैं, अगर इनकेस बैठ के धोने हो बर्तन तो बैठ के भी धो सकते हैं, लेकिन मैं दिखाऊंगी आपको। मतलब अभी थोड़ा हाउस टूर का मैं प्लान कर रही हूँ कि बनाएंगे हाउस टूर का वीडियो, तो उसमें मैं सारी चीज़ें डिटेल में दिखाऊंगी। तो चलिए बर्तन धो लेते हैं, ये तो अभी फ़िलहाल चाय के और जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं वही हैं, बाकी खाने के तो आप लोगों को पता ही है कि सब लोगों के घर में कितने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, चाहे लोग दो हो चाहे तीन हो, लेकिन बर्तन एक ऐसी चीज़ है जितने दो उतने ही मतलब और ज़्यादा बढ़ जाते हैं सिंक में। किस किस को लगता है किस किस को लगता है ये। बर्तन धुल गए, अपनी अपनी जगह पे लग भी गए हैं, और पूरा काम खत्म हो गया। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना और खुश रहना।